एवरीवन, वेलकम टू यूपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो गाइस, रिसेंटली जो है बहुत सारे बैंक्स ने नोटिफिकेशन आउट किए, बहुत सारे बैंक्स ने पोस्ट आउट किए हैं, दैट इज़ SBI ने निकाली है, फिर SBI ने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग निकाली थी और पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द ऑफिस कैडर ग्रुप बी, और आई वुड से दैट यू नो ग्रेड बी, आई वुड से डायरेक्ट रिक्रूट DR और लाइक इन कैडर्स पे बेसिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि डायरेक्ट बेस पे हैं, डायरेक्ट बेसिस पे हैं। ठीक है, ऑल्सो अभी देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे बेसिकली, वो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका Phase 1 और Paper 1, 2, 3 आपका ऑनलाइन रिटर्न कह सकते हो आप एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर में, September 8 और October 19। आपको ये डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR, ठीक है, डायरेक्ट बेस और DEPR, नेक्स्ट इज DCIM। सो ये डायरेक्ट बेसिस पे हैं, ग्रुप बी में हैं, बट ये पोस्ट डिफरेंस है, राइट। सो इन पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन और रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है, उनकी डेट्स देखिए वहाँ पे दी हुई है इंपॉर्टेंट, सितंबर और अक्टूबर, राइट। सो ये आप एक बारी चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके इंस्ट्रक्शंस भी थोड़ी सी अलग होंगी। ये आपके कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एज पर कैटेगरी वाइज इनकी डिवीजन है। ठीक है, सो ओवरऑल आप अनरिजर्व कैटेगरी देख सकते हो, ग्रेड बी के लिए 27 वैकेंसीज आर देयर, राइट, शेड्यूल कास्ट 10 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब 4 वैकेंसीज आर देयर, लाइक दैट। सो आप इसको एक बारी चेक कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, यस, ये आपके स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए है, फॉर SC ST के लिए कुछ रिजर्वेशन है, आप वो चेक कर लीजिएगा, फाइन। अब जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं PWD डिपार्टमेंट से हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग होंगी, उनका यू नो एक्सपीरियंस वगैरह प्रेफर किया जाएगा। पे स्केल आप चेक कर लीजिए, देखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे 55,000। आप 55,000 से जो है पहले ही स्टार्ट, मतलब अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी, बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा, और दैट कुड बी इंक्रीजेबल एज वेल अगर आपका यू नो डायरेक्टली जो है रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट बेसिस पे तो वो आपका टाइम के साथ जो है इंक्रीज रहने वाला है। ठीक है, और आप ये आपका बेसिक पे हो गया है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू बी मस्ट बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, इट्स 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक की एज के लिए, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज को जो है एज रिलैक्सेशन भी मिली हुई है, एक्स सर्विस मैन है, SC ST कैंडिडेट से आप हो, सो आप वो एक बारी चेक कर लीजिएगा, राइट। सो ये आपका रहने वाला है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो सिर्फ ग्रेड बी की जनरल पोस्ट है, ठीक है, उसमें आप ग्रेजुएशन अगर आपने की है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इवन कि जो SC ST PW कैंडिडेट्स है, उनको अगर 50% मार्क्स या 55% भी मार्क्स उन्होंने अचीव किए, देन दे मे अप्लाई फॉर द सेम, राइट। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल एनी सच कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दैट इज टेकन आफ्टर क्लास 11 एंड इज एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, सो ग्रेजुएशन लेवल के लिए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एनी सच कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज जो आपने 2 ईयर्स मास्टर्स की है, ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर, लाइक तो वो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप बैंक में जॉब कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, लाइक दैट। अभी देखिए ऑफिसर्स इन ग्रेड बी प्रिंसिपल कॉन्सिबल रिस्पेक्ट टू सिलेबस करिकुलम मीन्स हाफ और मोर ऑफ टोटल कोर्सेज इलेक्टिव क्रेडिट मस्ट बी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। अब ग्रेड बी DEPR के लिए देखिए, आपके जो मैक्सिमम आपने जो भी स्टडी किए ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लाइक आप एज अ रिजर्व बैंक में काम कर रहे हो, आप उस पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, 50% ऑफ मार्क्स फॉर द SC ST कैंडिडेट्स मास्टर्स में आपको यू नो एक ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, कैंडिडेट्स हैविंग MPhil डिग्री एंड डॉक्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी
in economics will be eligible for relaxation in upper age limit by 2 years and 4 years respectively. ठीक है, आपने एम फिल पी एच डी की हुई है या फिर आप कर रहे हो तो आपको एज मतलब कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकती है. ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रेफरेबल. ठीक है, असेंशियल की अगर मैं बात करूँ, ज़रूरी क्या है आपकी क्वालिफिकेशंस में, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लाइक दैट विद 55% ऑफ मार्क्स. ठीक है, सी अब इसमें जो है आपके पास मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. ठीक है, क्योंकि बैंक में जॉब करने के लिए 3-4 सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहते हैं, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स. अगर ग्रेड बी डी या डी एस आई एम के लिए मैं बोलूँ कि यही सेम नोटिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आपने स्टडी की होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग. नाउ कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज. ठीक है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपके कुछ सी जी पी है, सी जी पी ए है, दैट इज 60% फॉर जनरल कैटेगरी, देन 55% एंड 50%. ये आपकी सी जी पी और ये आपकी परसेंटेज होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर दीज रिस्पेक्टिव फील्ड. स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, ऑनलाइन या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होना है फेज वन फेज टू में, उसकी डेट्स हमने ऑलरेडी चेक कर ली है. ठीक है, आप स्टेट और यूटीज चेक कर लीजिएगा. ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़. ठीक है, सो ये आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं. जनरल के लिए जो अलग सेंटर्स हैं दैट इज़ जम्मू, कानपुर, कोची, लखनऊ. फाइन, ये आपके रीजन वाइज जो है रहने वाला है. ठीक है, मतलब आप किस रीजन से बिलोंग करो बेसिकली. अगर हम नॉर्थ इंडियन हैं तो फिर हमारा चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, लाइक दैट. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू कैंडिडेट्स ऑफिसर्स. ठीक है, आपको प्री यू नो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी वो प्रोवाइड करा सकते हैं. अब ये देखिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है. एस सी एस टी पी डब्ल्यू के लिए सिर्फ ₹100 प्लस 18% ऑफ जी एस टी, वेयर एज जर्नल, ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए जो है एप्लीकेशन फी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस ₹850 प्लस 18% ऑफ जी एस टी. और स्टाफ जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है और वो फिर से इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनके लिए कोई फीस नहीं है. ठीक है, हाउ टू अप्लाई में देख लीजिए, आपको ऑनलाइन जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आरबीआई की अप्लाई करना है बेसिकली. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. सिटी से आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इवन की स्टार्टिंग से ही डेट्स आपको पता लगी, इवन की आपको एग्जामिनेशन की डेट भी जो है पता लगे, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ओनली. ठीक है, 16 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टिल 6 PM इन द इवनिंग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन योर पीडिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज. ठीक है, सो दैट इज़ अ थिंग. अपने कैपिटल लेटर्स में फॉर्म फिल करना है, स्मॉल में ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन हमने फिल करना है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, आरबीआई में डायरेक्ट बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट निकले हैं ग्रेड बी, जनरल, सी डी यू नो डी सी आई एम और डी सी ई आर बेसिकली जिस पे, तो उसके लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1, 2, 3 में रहने वाला है. उसकी जो डेट्स हैं टेंटेटिव और फाइनल भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो, यू नो थिंक लाइक तो सितंबर और अक्टूबर रहने वाली है. इस डिटेल नोटिफिकेशन का फर्स्ट टेबल वही है, आप उसको रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है, कि आपके पोस्ट वाइज आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या है, रीजन वाइज आपको सेंटर्स अलॉट किए हुए हैं, तो आप प्रॉपरली ध्यान से अप्लाई कीजिएगा. ठीक है, ऑल्सो आपका सी टी सी बहुत अच्छा रहने वाला है आरबीआई में, जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी हो रहे हो स्टिल, और वो इंक्रीजेबल रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. 16 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हो. इफ एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू वुड बी इंटीमेटेड टू यू, सो प्रिपेयर विद योर पीडिया, वो आपको हर टाइप के इंटरव्यू एचआर के लिए प्रिपेयर करती है. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू.